मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों का है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है, केवल आप लोगों को बोलना है। दो तीन बार पढ़ लेंगे आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए ऊपरी, अध, उच्चई, नीचई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो आप लोग पढ़ लेंगे कि ऊपर यद है उच्चई, नीचई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ये सब अव्यय शब्द हैं, इनको आप लोग दो एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है मंजूषातः अव्यय पदान चित्वा वाक्यान पूर्यते। कह रहे हैं कोष्टक से अव्यय पदों को चुनकर लिखना है, वाक्य को पूरा करना है। तो जैसे वृक्षस्य खगः वसति, तो वृक्षस्य अंतः वसति कि बहिः वसति, अधः वसति, ऊपरि वसति, तो क्या है? तो देखते रहेंगे इसमें ऊपरी है, वृक्षस्य ऊपरी, खगः वसति, विवादेन अलम विवादेन, अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात मा गच्छ, तो वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। और इसका देख लें वृक्ष से ऊपर खगः वसति, वृक्ष के ऊपर खग पक्षियाँ रहती हैं। विवादेन अलम विवादेन मतलब विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। और वर्षा काले गृहात मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य ऊपरी श्रोतारह उपविष्टा, मंच के ऊपर श्रोता, मंचस्य ऊपरी श्रोतारह उपविष्टा, तो मंचस्य अध, सॉरी क्षम्यताम, यह मंचस्य अध मंच के नीचे श्रोतारह उपविष्टा, श्रोतागण बैठे हुए, छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, छात्रा, तो कह रहे हैं कि छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति। तो देखें आंसर भी लिखा हुआ, वृक्ष से ऊपर खगः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षियां रहते हैं, अलम विवादेन विवाद मत करो, वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ, मंचस्य अध श्रोतारः उपविष्टा, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं, मंचस्य अध श्रोतारः, आगे छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगला है अशुद्ध पदम चिन्हित, अशुद्ध पदों को चुनना है। अशुद्ध पद जैसे गच्छति, यच्छति, पृच्छति, धावत, धावंती, तो गमंती है, यहाँ देखेंगे यच्छन्ति है, पृच्छन्ति है, धावंती है, तो गमंती नहीं होता। गम धातु का रूप जो है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति चलता है, ठीक है, या गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति चलता है, गमंती नहीं चलता, तो ये गमंती गलत है। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, ठीक है, तो इसको देखेंगे गजेण, सब देखिए क्या है इसमें, रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक है, रामेण ये भी जो है ये गृहेण सर्पेण गजेण, तो देखिए इसमें जो है सब एक एक से हैं और ये गजेण इसमें नहीं है, गजेण होता है, गजेण नहीं होता है, ये गलत है। लतया मतया रमया निसया, तो देखेंगे इसका होगा मातया गलत है, मतया होता है, मातया लिखा हुआ है, लतया मातया रमया निसया, तो ये मातया गलत है, यहाँ देखेंगे आगे लते रमे माते प्रिय, तो ये माते गलत है। लिखति गर्जत, लिखति गर्जति फलति सेवति, तो यहाँ जो है यह सेवति गलत होगा, ठीक,
इस प्रकार जो है आप लोगों का ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए मंजूषातः समानार्थक पदान चित्वा लिखत, कोष्टक से समानार्थक पदों को जो है चुन कर लिखना है। जैसे प्राप्य लब्धवा, कुशला दक्षा, हर्षस्य प्रसन्नताया, देहस्य शरीरम, वैद्यम चिकित्सकम। तो ये देखिए आपको लिखा हुआ है प्राप्य माने प्राप्त करके, लब्धवा मीन्स प्राप्त करके, कुशला माने भी दक्ष चतुर, दक्षा माने भी चतुर एक समान है, हर्षस्य प्रसन्नता खुशी, देहस्य देह माने शरीरस्य ये भी समान है, वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य माने डॉक्टर और चिकित्सक माने डॉक्टर। अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं आप लोगों को, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, के कोलाहलम कुर्वन्ति, गजाधरम कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम अवर्तयत, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, किं कृत्वा घृतं पीबेत। तो उत्तर देखेंगे, मंचे चतवार बाल कवय उपविष्टा, मंच पर चार बाल कवि बैठे हुए हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों का है, हा खंड में है, मंच के कोलाहलम कुर्वन्ति, तो के कौन शोर कर रहे हैं, तो श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, तो श्रोतागण शोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है गाखंड, गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुत, गजाधर किसको उद्देश्य मानकर काव्य सुनाता है, प्रस्तुत माने प्रस्तुत करता है, तो गजाधर है आधुनिक वैद्यम उद्दिष्ट काव्यम प्रस्तुत, तो गजाधर आधुनिक डॉक्टरों को उद्देश्य मानकर काव्य की प्रस्तुति करता है, काव्य को सुनाता है। अगला तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम अवर्तयत, तो दो किसके ऊपर हाथ घुमाता है, तो तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम अवर्तयत, तो दो अपने तोंद के ऊपर पेटू अपने पेट के ऊपर जो है हाथ को घुमाता है, अवर्तयत माने घुमाना। तो यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार क्या आता है, शरीर संसार में बार बार शरीर को प्राप्त करते हैं। तो और क्या अगला प्रश्न है, किम कृत्वा घृतम पीवेत, तो कहते हैं श्रमम कृत्वा घृतम पीवेत, श्रम करके घी पिएंगे, किम कृत्वा माने क्या करके घी को पिएंगे, तो श्रमम कृत्वा श्रम करके घी को पिएंगे। सिक्स क्वेश्चन है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूरितः, कोष्टक से इन पदों को चुनकर जो है एक छोटी सी कहानी है कथा है उसको पूरा करना है। तो देखेंगे कि जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है एक बंदर, एक राजा सोया हुआ है और बंदर जो है उसकी सेवा में लगा हुआ है, अब देखिए कैसे बंदर सेवा करता है, तो इसी को जो है पूरा करना है। तो देखें कि पूरा एक से निपस्यवान रह आसीत एक दास तम आजीवत तदय यद्यपि, देखिए इसका आंसर एक पूरा एकस्य नृपः एकः प्रिय वानरः आसीत, पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था, पहले के समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, प्रिय माने सबसे अच्छा, उनका सबसे अच्छा अच्छा लगने वाला या कह दीजिए सुहृद वह बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, एक बार राजा सोया हुआ था, एकदा नृपः सुप्तः आसीत एक बार राजा सोया हुआ था, वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, वानर बार बार पंखे से जो वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, वानर वह पंखा झड़ रहा था या पंखा उसको राजा को डुला रहा था, तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशति, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठी, यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयत यस्म, यद्यपि वानर बार बार पंखे से या बेने से उस मक्खी को हटाता था, तथापि सः पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम उपविशति यस्म,
फिर भी वह मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठती थी। अंत से मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत। अंत में वह मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी दूरम गता। जहाँ जहाँ ये भरना है शब्द वो लगा हुआ निशान कह रहे हैं, मक्षिका तो उड्डी दूरम गता, मक्खी उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़क प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। किंतु तलवार के, खड़क माने तलवार, तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः ठीक ही कहा गया, उचित माने कहा गया है, एवं अतः इस प्रकार ठीक ही कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता नो उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। नो उचिता माने नो माने नहीं, उचित माने ठीक, मतलब मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अगला देखेंगे 7 क्वेश्चन। तो विलोम पदान योजयत, विलोम पदों को जोड़ना है। जैसे अधः है, अंत है, दुर्बुद्धि है, ऊंचाई है, दुर्लभम, इन सबों को जो है, जो विलोम पद हैं, जो सही उसका विलोम है उसके साथ उनका मेल करना। ये गलत लिखा हुआ है। जैसे अधः नीचे, अंत है सुलभम, दुर्बुद्धि बही ऊपर। तो ये जो है क्या होता है, इसका विलोम शब्द लिखना है। अधय का, अधय माने नीचे होता है, तो समानार्थी शब्द हो गया, इसका विलोम लिखना है। तो देखेंगे अधय ऊपर, अधय माने नीचे, ऊपर माने ऊपर। अंत माने अंदर, वही बाहर। अंत माने अंदर, वही माने बाहर। तो विलोम हुआ, अंदर का विलोम क्या होता है, बाहर होता है। दुर्बुद्धे माने मूर्ख बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, विलोम हुआ। उच्चई ऊंचा, नीचई नीचे। दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त होने वाला, सुलभम आसानी से प्राप्त होने वाला। तो इस प्रकार जो है दुर्लभम सुलभम ये जो है इसका विलोम है। इस प्रकार जो है आप लोग अपनी कॉपी में इन प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। आप लोग पहले प्रश्न को छोड़ देंगे, पहले प्रश्न को छोड़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड भी छोड़ देंगे, फोर्थ लिखेंगे आप लोग कॉपी में, फिफ्थ लिखेंगे और सेवंथ। इस प्रकार जो है आप लोग इतने प्रश्न का आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।